यार अगर ना तुम लोग वहां पर ध्यान से देखोगे ना तो चिड़िया है ना कीचड़ में नहा रही हैं। एंड मेरे पापा बताया करते थे भी जब ऐसा होने वाला होना इसका मतलब बहुत बहुत के टाइम बहुत से पहले पहले ना बारिश रुक जाए, मैं तो यही उम्मीद करूंगा, क्योंकि फिर ठीक रहेगा। लेकिन बहुत बढ़िया होगा भाई, वाला इतना मजा आ रहा है। कभी कभार पता है क्या होता है भाई, चाहे तुम्हारा एग्जाम हो, और मैं पहले भी ब्लॉग में बता चुका हूँ, चाहे जो मर्जी हो, उठने का ना मन नहीं करता। टुडे इज ना वन ऑफ दोज डेज कि जिस दिन भाई तुम्हारे भाई का एग्जाम है, वो भी लैंग्वेज का। हो सकता है लैंग्वेज का एग्जाम है इस करके उठने का मन नहीं कर रहा, हो सकता है वैसे ही मेरे को सुस्ती चढ़ रखी है इस करके उठने का मन नहीं कर रहा। बट ओवरऑल भाई आज मेरा स्कूल मतलब कॉलेज अपने सेंटर जाने का 1% भी मन नहीं कर रहा। इतनी ज़्यादा नींद, इतनी ज़्यादा नींद, कहने की हद नहीं। एंड आउट ऑफ द ब्लू बाहर जो है बहुत ही ज़्यादा गंदे बादल भी हो चुके हैं, तो इस करके अपने लोगों को गाड़ी लेके जानी पड़ेगी, जो कि कहीं ना कहीं अपने लिए फायदेमंद है, क्योंकि गाड़ी में बैठ के ना मतलब एक वहाँ पे लेट जल्दी भी पहुँच जाते हैं, सॉरी, तो एक बैठने को जगह मिल जाती है जो काफ़ी सही रहती है। बट एनीवेज, सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम है आपको एक बार फिर से मेरी दुनिया में। होप यू ऑल आर डूइंग कल से बहुत 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 ही ज्यादा बढ़िया। अब भाई मन करे ना करे, तैयार तो अपन लोग हो लिए हैं, बैग भी पैक कर लिया है, मतलब अभी सिर्फ अपन लोगों का ब्रेकफास्ट होना रहता है, और जैसे ही वो कंप्लीट होएगा उसके बाद अपन लोग निकल लेंगे अपने कॉलेज की तरफ। तो फटाफट चलते हैं, चल के बड़े तरीके से अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, जिन देर में ब्रेकफास्ट हो रहा है फोन चार्ज करते हैं, क्योंकि इसमें भी बेचारे में चार्जिंग नहीं है, एंड फिर शुरू देख के निकल लेते हैं अपन लोग अपने सेंटर के लिए। यार अगर ना तुम लोग वहां पर ध्यान से देखोगे ना तो चिड़िया है ना कीचड़ में नहा रही हैं। एंड मेरे पापा बताया करते थे भी जब ऐसा होने वाला होना इसका मतलब बहुत 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 ही ज्यादा तेज बारिश होने वाली है। एंड ये देखो हल्की फुल्की तो खैर शुरू हो चुकी है, ये देखो स्क्रीन पर, बट उसका मतलब तो है कि हद से ज्यादा तेज बारिश होने वाली है। पर चलो कोई ना, अपन लोग तो अपने कॉलेज पहुंच चुके हैं, और मैं पता नहीं क्यों बार बार भूल जाता हूँ भाई ये मेरा कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सल मेरा सेंटर है। वो यार कहीं बैक ऑफ द माइंड एमएसटीज की होती है ना तैयारी चल रही होती तो हो जाता है। बट चलो एट द एंड, जैसे मैं तुम लोग बताया, अपन लोग अपने कॉलेज पहुंच अपने सेंटर पहुंच चुके हैं, एंड अभी हमारा कोई दोस्त नहीं आया, तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए फटाफट अपने पंजाबी के पेपर की तैयारी शुरू करते हैं। मतलब वैसे थोड़ी बहुत रिवीजन कर लूंगा, गाड़ी में लाए गाड़ी आएगा ये तो फायदा है भाई कि आराम से मेरे को एक सिटिंग स्पेस है, एक मेरा पर्सनल स्पेस है जहाँ पे कोई मेरे को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई मेरे को कुछ नहीं कह सकता, चुपचाप बैठ के पढ़ो। बस बारिश के लिए यार मैं छाता नहीं लेके आया, कोई ना, इतना तो चलता है, इतना तो जायज है ही है। अरे भाई 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 भाई, ये तो बारिश वाह वाही तेज होगी भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल चीज होगी ये तो। अब बस एक चीज की वो है, मतलब देखो बहुत बढ़िया हुआ जेड़ा मैं गाड़ी लेके आया, ये तो बहुत औखा हो जाता वापस स्कूटर पे भी जाना है, एंड गाड़ी लगी भी अपनी सही जगह पे हुई है। इस एरिया में कीचड़ भी नहीं होता, मतलब आगे कीचड़ है पीछे कीचड़ है, बट यहाँ पे इस एरिया में तो भाई बिल्कुल भी कीचड़ नहीं है। एक तो फायदा ये हो गया, एंड अभी तो एग्जाम में खैर 1 घंटा और है, मतलब 9:30 के करीब शुरू होना है, अभी हो रहे हैं 8:30, 8:30 भी क्यों, 8:22 हो रहे हैं, दुबट भी शक्ल नहीं दिख ली तुम लोग, 8:22 हो रहे हैं, तो अभी अपन लोग आराम से चिल मार सकते हैं। बस एग्जाम शुरू होने के टाइम से पहले पहले ना बारिश रुक जाए, मैं तो यही उम्मीद करूंगा, क्योंकि फिर ठीक रहेगा। लेकिन बहुत बढ़िया हुआ भाई, वाला इतना मजा आ रहा है ना बारिश में, आराम से गाड़ी में कल्ले बैठे रील्स देख रहे, पढ़ाई की तैयारी कर रहे, एंड मतलब सॉरी पेपर की तैयारी कर रहे, एंड बस यार चिल मार रहे, मजा आ गया। मैं तो पेपर देने का मन भी नहीं कर रहा, मन कर रहा ड्राइव पे निकल जाऊं। अगर तुम्हारा एग्जाम एक्सपेक्टेशन से बहुत 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 ही ज्यादा अच्छा चला जाए तो भाई तुम लोगों को कैसा लगेगा? भाई मेरे साथ अभी कुछ ऐसा सा ही फील हो रहा है जैसे तुम लोगों को हो गया, दोबारा से मेरी गाड़ी में आते ही भाई बारिश शुरू होगी, ये बढ़िया चीज होगी, अब आराम से बारिश में ड्राइव करते करते चलेंगे। बट चलो कोई ना, एट द एंड ये क्या हुआ, एट द एंड अभी जो है अपन लोगों का एग्जाम तो एकदम बढ़िया तरीके से हो चुका है, एंड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे बच्चों का हो चुका है, बाकी सारे भी निकल रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूँ आराम से चुपचाप अपने घर की तरफ निकलूँ।
एंड भाई कसम से थक गया। लैंग्वेज का एग्जाम एक्सपेक्टेशन पंजाबी का स्पेशली इतना मस्त जाएगा, इतना ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था यार, मतलब हो ही जाता है। तो चलो अभी तो अपन लोग फटाफट अपने घर पहुंच रहे हैं बारिश ज्यादा तेज होने से पहले, क्योंकि हाईवे पे अपन लोगों को बारिश भी चलानी पड़ेगी एंड फिर अपन लोग घर चल के कुछ खाते भी हैं। अरे तो अगर मन करे तो रास्ते से भी कुछ खा लूंगा, बट यार ठीक है, मैं अब टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता बारिश के चक्कर में, कोई फालतू में जाम जूम में फंस जूं मैं। ओहो भाई तुम बढ़िया से एग्जाम देके आए हो, घर आते तुमको कीड़े वाले सब्जी की तरह पकौड़े मिले की जगह सॉरी, तो भाई जिंदगी का मजा आ जाए। बट चलो भाई ना अभी जो आप लोग जैसे मैं तुम लोग बताया एग्जाम देके एकदम बड़ी तरीके से घर तो वापस आ चुके हैं एंड आज मैंने कैलकुलेट करा कि टोटल कितने किलोमीटर गाड़ी चलती है। भाई आना मतलब सिर्फ एक तरफ का 34-35 किलोमीटर पड़ता है, मतलब रोज के 70 किलोमीटर की ट्रिप, जो ठीक है इतनी भी ज्यादा नहीं है। एंड अभी जो है अपन लोगों का ब्रेकफास्ट भी हमारे सामने आ चुका है जिसमें है ब्रेड के पकौड़े, सुबह ब्रेड टोस्ट खाया था ब्रेड के पकौड़े। एंड अभी मैं अपना लैपटॉप खोल के आराम से लैपटॉप पे कोई बढ़िया ऐसी मूवी देखूंगा। पापा की चेकबुक साइड करो सबसे पहले, तो लाइट करो बंद, हमारा दरवाजा तो लगा क्योंकि पापा उस वाले रूम में दीदी वाले रूम में वेब सीरीज देख रहे हैं एंड भाई मेरा देखने का 1% मन नहीं है, मैं आराम से यूट्यूब देखना चाहता हूँ। मेरी आंखों में नींद देख रहे हो तुम, मेरा मन तो ये कर रहा है भी मैं यहीं अपने दीदी के रूम में सोचूं, खुद के रूम में जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही क्योंकि भाई सुबह से ऐसा हो रखा है पकौड़े और लस्सी खाने पीने के बाद मैं सो नहीं पाया एंड उस की नींद इतनी ज़्यादा आ रही है ना, इतनी ज़्यादा अभी मैंने डिनर भी नहीं करा एंड ऑलमोस्ट 10:30 बज चुके हैं। बट चलो कोई ना, एट द एंड आज का दिन भाई जैसा भी था व्लॉग बढ़िया बन गया, एग्ज़ाम बढ़िया हो गया, तो अब सुस्ती तो चढ़ेगी, अभी 3 एग्ज़ाम और रह गए, मतलब 50% मेरे एग्ज़ाम हो चुके हैं। खैर अब जैसे मैं तुम लोग बताया इट्स ऑलमोस्ट 10 इन द इवनिंग एंड अभी जो आप लोग दिखाने कुछ ही बचा तुम लोग देखने कुछ ही बचा, दूसरे नोट पर करता आज वीडियो को एंड। होप तुम आज वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर, जीने के लिए एक्सपीरियंस के साथ।